सुल्तानपुर जिले के बिजेतुआ महावीरन से दर्शन करके लौट रहे पति पत्नी से लुटेरों ने लूट का प्रयास किया। हल्ला गुहार करने पर बचाव के लिए दो ग्रामीण जा पहुंचे, तभी भागने के प्रयास में दो लुटेरों ने फायर झोंक दिया जिसमें दोनों ग्रामीण घायल हो गए। यह घटना मझगांव गांव के पास घटी है। सूचना पर पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स मौके के लिए रवाना हो गए। आपको बताते चले कि इस लूटपाट के प्रयास में एक हमलावर को ग्रामीणों ने दबोच लिया, वहीं बदमाश भी बाइक पर सवार थे। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए हरिओम गुप्ता की रिपोर्ट, सुल्तानपुर। सुल्तानपुर स्वाट टीम और क्षेत्रीय पुलिस को मिली बड़ी सफलता। सराफा व्यापारी से फिरौती मांगने व जान से मार देने की धमकी देने वाले दो लोगों को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर धर दबोचा। वहीं पकड़े गए अभियुक्त का नाम व पता हरीश शेख पुत्र असलम शेख निवासी सेमौर खानपुर जनपद अंबेडकर नगर, मोहम्मद आरिफ पुत्र मोहम्मद शमशाद निवासी पकड़ीपुर कसमऊ थाना गोसाईगंज जिला सुल्तानपुर का निवासी है। अभियुक्त के पास बरामद तमंचा नकदी रुपए एक मोटरसाइकिल फर्जी नंबर सहित जब्त किया गया। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए हरिओम गुप्ता की रिपोर्ट, सुल्तानपुर। बुलंदशहर में डिबाई विधानसभा क्षेत्र के ग्राम नाहरी के प्राथमिक विद्यालय बूथ संख्या 92 पर एक घंटे ईवीएम मशीन खराब रही। वहीं खराब मशीन को लेकर मतदाताओं में नाराजगी। विधायक डॉक्टर अनीता लोधी राजपूत की शिकायत पर आनंद फानन में प्रशासनिक अफसरों ने मशीनों को बदलवा कर वोटिंग चालू करवाई। ये कौन कौन सी ईवीएम मशीन खराब हुई थी, कहाँ कहाँ की बूथ की? एक तो सैदवा की दोनों थी खराब और बाकी धारकपुर नगला और झरेना कुछ ऐसे गाँव से शिकायतें आ रही थी। तुलसीगढ़ी वह नगला ये सब शिकायतें आई थी, लेकिन हमने एसडीएम को बात करके उनको सबको सही करवाने के लिए निरंतर मतलब लगे हुए हैं और काफ़ी जगह की सही होगी, सैदवा की सही हो चुकी है। मैं यहाँ पर स्वयं वोट डालने आई। कितना टाइम जो है लोग मतदाता जो है लाइन में खड़े रहे? 20 मिनट लेट हुआ, कहीं एक घंटा लेट हुआ, कुछ इस तरह की शिकायतें आ रही है, लेकिन उनको जैसे जैसे हमें शिकायत मिल रही है हम उसका तुरंत निस्तारण करा रहे हैं प्रशासन के द्वारा। कई क्षेत्र में कहीं और गड़बड़ी की आशंका तो नहीं है? गड़बड़ी की आशंका एक जगह लग रही थी तुलसीगढ़ी, उसको हमने तुरंत एसडीएम को उसके बारे में अवगत करा दिया और उसको नियंत्रण में ले लिया गया है। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट, बुलंदशहर। बुलंदशहर में डिबाई विधायक डॉक्टर अनीता लोधी राजपूत अपने पति के साथ वोट डालकर आते हुए नजर आई। विधायक जी मतदान करने आई आप? जी जी कर रहे हैं। मतदान कैसा चल रहा है आपके यहाँ? बहुत अच्छा, शांतिपूर्वक और सुचारू रूप से चल रहा है। टीवी वार इंडिया न्यूज के लिए धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट, बुलंदशहर। बुलंदशहर के सदर विधायक वीरेंद्र सिरोही अपनी पत्नी के साथ अपना वोट डालकर बाहर निकलते हुए नजर आए। टीवी वार इंडिया न्यूज के लिए धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट, बुलंदशहर। बुलंदशहर में भारतीय जनता पार्टी बुलंदशहर लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर भोला सिंह ने मीडिया के सामने अपनी जीत का ऐलान किया और जनता को धन्यवाद देते हुए अपनी जीत का श्रेय लोकसभा बुलंदशहर की जनता को दिया। सांसद जी कितने आश्वस्त हैं अपने जीत को लेकर और क्या कहना चाहेंगे? बुलंदशहर की जनता का जो प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है उसको लेकर 101% आश्वस्त हैं और जितनी वोट पहले मिली थी उससे अधिक वोट आपकी बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मिलने वाली है। वोट आपने करा अभी तक अपना? अभी मेरा वोट गांव में है, यहाँ से गांव जाऊंगा तब वोट करूंगा। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट, बुलंदशहर। जहां सरकार एक तरफ बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा देती है, वहीं दूसरी तरफ एंटी रोमियो सदर की भी नए रूप में स्थापना कर दी गई। पर जिले के खूंखार कुख्यात लोग लड़कियों के मान सम्मान से खेलने में चूक नहीं रहे। कोई किडनैप कर रहा है तो कोई रेप कर रहा है। जिले के 3 मुख्य अधिकारी भी तेज तर्रार हैं, पर वजह क्या है? अपने मुँह से अपनी बड़ाई करके अपनी ही पीठ थपथपा लेते हैं। आपको बता दें कि जिले के वजीरगंज थाना क्षेत्र के गाँव जुलहरापुर में 12 मार्च को शाम के समय शौच को गई लड़की के लिए कुछ लोगों ने अगवा कर लिया और काफी देर बीत जाने के बाद जब लड़की घर नहीं आई तो घर वालों के हाथ पांव फूल गए और इधर उधर ढूंढने लगे, पर उसका कहीं पता नहीं चला। फिर दूसरे दिन 13 मार्च को एक व्यक्ति का लड़की के घर वालों को फोन पर कॉल आई। उसने बताया कि आपकी लड़की कादर चौक के उजानी रोड पर बेहोश अवस्था में पड़ी है। यह सुनते ही सभी परिजन वहां पहुंच गए और अपनी बेहोश पड़ी लड़की को उठाकर थाना कादर चौक पहुंचे। वहां पर पुलिस द्वारा फोटो खींचकर उनसे कह दिया कि इसे ले जाकर इलाज कराओ। इलाज के बाद जब लड़की को होश आया तो उसने अपने आप बीती अपने परिजन
परिजनों को सुनाई जो लेकर गया उसके नाम भी बताए। वही लड़की ने बताया कि वह अपने ही गांव के कुंवरपाल पुत्र जगदीश, नरसिंह पुत्र रामस्वरूप, योगेंद्र पुत्र गौरी निवासी जुलहपुरा के अवधेश पुत्र देवेंद्र निवासी परसेरा थाना बिसौली को बताया और कहा कि एक गाड़ी चालक जिसे मैं जानती हूँ, अगर वो सामने आएगा तो पहचान लूंगी। उसने बताया कि ये लोग उसे नशा सुंघा कर पता नहीं उसके साथ क्या किया, सुबह के समय उनका गला दबा रहे थे, इतने में मेरी चीख निकल पड़ी और ये लोग वहां से भाग गए। वहीं लड़की की आप बीती सुनने के बाद जब फिर लड़की के परिवार वाले कादर चौक पहुंचे तो उसने यह कह दिया कि आपका थाना वजीरगंज पड़ता है। अब वजीरगंज पहुंचे तो उन्होंने कह दिया कि आप हमारे थाने के हो पर घटना हमारे क्षेत्र की नहीं है। दोनों थाना के इंचार्ज ने रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर दिया। उसके बाद पीड़ित परिवार को आखिर SSP का दरवाजा खटखटाना ही पड़ा। तो वहीं बड़ी आस के साथ बदायूं पहुंचे, आखिर वहां भी पीड़िता को खाली हाथ लौटना पड़ा। आखिर क्यों हो रहा है लड़कियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार? क्या एंटी रोमियो सिर्फ औपचारिकता पूरा करने के लिए बनाया गया है? क्या वरिष्ठ अधिकारी सिर्फ कागजी कार्यवाही करके अपनी पीठ थपथपा लेते हैं और अपने ही मुंह से अपनी वाह वाह कर लेते हैं? तुम्हारे साथ घटना हुई है, क्या है पूरा मामला? मैं टट्टी खेल रहे घर से बाहर गई, जो लोगों ने जबरिया फरे मुझे गाड़ी में लाए, इधर कादर चौक के बीच में ककोड़ा वाले रोड है, वहाँ इन्हें मेरी मार पीट की। मैं क्या नहीं, मेरे गलू दबा दो, मैं बेस हो गई, मैं वहीं डारी है। क्या आपके साथ कोई गलत काम भी किया क्या? ना। कौन कौन लोग थे? कुंवरपाल नरसिंह, ओगंदर अवधेश। इसके लिए आपने पुलिस को सूचना दी थी? हाँ। क्या हुआ? उन्हें कोई तहरीर ना लिखी। अच्छा, फिर? फिर जो हमारा गलो सूझ रहा हो जल्दी उन्हें कहीं भर्ती कर दो, भर्ती कर दे। फिर? फिर उच्च अधिकारियों से मिले आप? SSP से। फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कुछ कहा था आपसे? कार्रवाई का आश्वासन दिया उन्होंने? नहीं। हाँ। फिर क्या हुआ, कुछ कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई ना। अभी तो कोई कार्रवाई ना हुई है। अब क्या चाह रही हो आप? मुकदमा लिखने जा रहे हैं। इन लोगों ने गाड़ी लगा के मुझे जबरिया पकड़ के ले गए। कौन कौन लोग थे? कुंवरपाल, नरसिंह, ओगंदर, अवधेश। कहाँ ले गए? इधर कादर चौक एक बनखंडी है, रोड किनारे, वहाँ डारे। फिर क्या हुआ? मेरे गल दबाए, मैं बेहोश हो गई। फिर वो नफत जब दिन लिखा रो तो मैंने अपने घर खबर करी तो सब पहुँचे पुलिस वाले ने, तो मैं थाने गई। ना मुकदमा ना लिखो। क्यों नहीं लिखा गया? मैंने कह दिया ना अपने। SSP से मिली आप? हाँ हाँ। SSP से मेरी माँ मिली। उन्होंने क्या कहा? मेरी माँ मिली सब मैं। उन्होंने क्या कहा फिर? उन्होंने जो कही कि मुकदमा कायम हो जाएगा, कार्रवाई के लिए कहा उन्होंने? हाँ हाँ, होगी। ये घटना हमारी सन 2014 से चल रही है। सन 2014 में इन लोगों ने, कुंवरपाल, नरसिंह, योगंदर, गौरी ने हमारे मकान पर चढ़ के हमारी माँ बहनों को जो है गोलियों से जंजी कर दिया था। उसमें इनकी सजा होने को थी। उस रंजिश को लेकर इनने 16/4/18 को दूसरी घटना की। उसमें सर इन लोगों ने हमारी माँ बहन को फिर मारा था। उसका जो है डॉक्टरी मुआयना हुआ था। मेरी बहन ये माला ने बयान दिए थे कोर्ट में। इसके कोर्ट में बयान देने के जलने से ये अभी जो है 12 तारीख को 7:30 बजे लेटरिन के लिए गई थी, तो हम घर पे नहीं थे, तो इनको जो है माला के लिए पकड़ के ले गई। नरसिंह, कुंवरपाल, योगेंद्र और अवधेश जो है निवासी ग्राम परसेरा थाना बिसौली का रहने वाला है, ये लोग मेरी बहन के लिए, कादर चौक थाना पड़ता है, वहाँ बहुत बड़ा वन है, उस वन के किनारे से जो है डालकर बेहोश अवस्था में इसको भाग गए और इससे जो है रेप की भी कोशिश की है उनने, और जो है गले में फांसी भी लगाई है इसके, और बहुत भयंकर चोट आई है। वहाँ SO साहब के पास गए, उनने ये कह दिया जाओ अस्पताल में भर्ती करा दो, मुकदमा तो तुम्हारा लिखी जाएगा, घबराओ नहीं। फिर उसके बाद हम जब आए तो हम लड़की के पास हॉस्पिटल में रहे। फिर हमने अपनी माँ जो है SSP साहब के पास भेजी। SSP साहब के पास जब हमारी माँ गई तो उनसे ये SSP साहब ने ये कह दिया कि तुम्हारा मुकदमा लिखा जाएगा, घबराओ नहीं। और दरोगा जी को फ़ोन भी किया था थाने को कि जाओ लड़की के बयान लेके आओ। कल दरोगा जी आए थे, बयान भी ले गए,
बयान लेने के बाद भी कोई कार्रवाई, गुंडे गांव में भी घूम रहे हैं, असलाहों से धमकी भी लगा रहे हैं और दूसरी भी घटना, फिर भी कुछ कर सकते हैं सर? और अभी तक पुलिस ने इनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर रही पुलिस, और नहीं हमारी कोई मेरा नाम नन्ने है। अच्छा, इनके साथ जो घटना घटित हुई है, क्या है पूरा मामला? सर, इनकी जो घटना जिस दिन घटित हुई थी, उसी दिन उन्होंने मुझे लगभग 8 बजे मुझे बताया था कि मेरी बहन माला लैट्रिन करने को गई, अभी वापस नहीं आई है। तो मैंने फिर देखो इसको, बोले कि चुपचाप देख लो, पता नहीं कैसे क्या मामला हो गया। फिर मैं भी इनके साथ ढूंढता रहा साहब, ढूंढते साहब रात भर ढूंढे, पूरे गांव में ढूंढे, रिश्तेदारियों में भी फ़ोन किए, पर इसका पता नहीं चला। सुबह को इसके भाई के, माला देवी के भाई के फ़ोन पर फ़ोन आया था और बताया था कि कादर चौक इलाके में किसी सड़क के किनारे कहीं है, तो वहाँ इस माला देवी भाई के साथ हम भी गए थे और इसको फिर वहाँ से लेकर साहब, वहाँ के कुछ अन्य लोग भी, गांव के आस पड़ोस के लोग आ गए थे और फिर थाना लेके गए थे वहीं कादर चौक। ऐसे साहब ने इनके फ़ोटो ले लिए और कहा था कि ले जाकर आप भर्ती कर दो इसको, और FIR बजरिन थाने में होगी और FIR तो हो जाएगी। फिर साहब डॉक्टर साहब के ध्यान में हमने भर्ती किया, डॉक्टर साहब ने कहा था चिंता मत करो, मैं यहीं से सबको अवगत करा देता हूँ और सभी लोग यहाँ बयान लेने आएंगे। 3-4 दिन वहाँ भर्ती रही, कोई बयान लेने नहीं आया था। तब इनकी माला देवी की माँ SSP साहब के पास पेश हुई, तब कल जब छुट्टी होकर घर पर आ गई तब दरवाजे यहाँ बयान लेने आए और फिर दरवाजी बयान लेके चले गए। हाँ साहब, लड़की बता रही है कि उन लोगों ने बेइज्जत करने की कोशिश की, विरोध करने पर इसका गला भी दबाया था, उसका गला दबा हुआ और उसका मेडिकल हुआ है सब, बिल्कुल बेहोश अवस्था में मतलब गला दबा दिया था। इंडिया न्यूज़ के लिए कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट, बदायूं।